जय मश के आप सभी लोगों को एक बार फिर हम स्वागत करना चाहते हैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए निर्माण किया गया इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं आज भी हमारे साथ लीडिया और मंदिरा है हम सभी लोग एक बार फिर मिलकर के बाइबल में से परमेश्वर बच्चन को देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने बाइबल में अपने विभिन्न बेटियों को उन्होंने अपने काम के लिए उन्होंने उपयोग किया अपने राज्य के वृद्धि के लिए उन्होंने उपयोग किया और उनकी महिमा में उन्होंने किस तरह से उनको उपयोग करने में सहायता करी जैसे हमने पिछले सप्ताह यह देखा कि भजन अठसठवां अध्याय के ग्यारहवें वचन में इस तरह से कहता है कि परमेश्वर इन अंत के दिनों में एक सामर्थ्य महिलाओं की एक सेना को वो खड़ा कर रहे हैं तो उन सेनाओं में भरना होने के लिए हम सभी को इच्छुक होकर के आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की और से जब भी हमें बुलावा मिलेगा ये बहुत ही बड़ी बात है कभी कभी हमें लगता है कि हम इस धरती पर हैं इस संसार पर हैं और कोई बड़ा सा पोस्ट या कोई बड़ा सा पद हमको मिल जाता है तो हम बहुत ही आनंदित हो जाते हैं कि मुझे इतना बड़ा पद मिला लेकिन जैसे हम बाइबल में देखते हैं अगर परमेश्वर हमको कुछ कार्य करने के लिए कुछ पदवी दे करके बुलाते हैं तो वो सबसे बड़ा कार्य हमारे जीवन में है तो हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के दिन विशेष रूप से स्थिरता इस शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे ये जो शब्द है स्थिरता एक हिसाब से एक थोड़ा सा मतलब बड़ा शब्द दिखाई देता है जो शायद हम हम आसानी से इसका उपयोग नहीं करते तो स्थिरता का मतलब है लगे रहना एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं अंग्रेजी में इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं तो किसी बात को लेकर के उस पर लगे रहना या उस कार्य को निरंतर गति से करते रहना इस शब्द का यही अर्थ है तो आज हम इसका क्या अर्थ है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक स्थिर रहने से एक स्थिरता जो एक गुण है वो अगर हमारे जीवन में आएगा तो हमें किस तरह से हम इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और एक मसीह होने के नाते एक मसीह महिला होने के नाते हमारे जीवन में स्थिरता का आ, क्या भूमिका है हम उसके बारे में आज के दिन आ, देखेंगे तो चलिए हम मंदिरा से शुरू करते हैं तो आ, क्या स्थिरता के विषय में आप कहना चाहते हैं कि स्थिरता आपके लिए क्या है क्या मायने रखता है और इसमें हमें किस तरह से लगे रहना होगा आप कुछ बताइए जी आ, अगर मैं स्थिरता की बात करूँ तो मेरे लिए स्थिरता वो है अगर हम कुछ चीज को पाने की चाह करें तो उस पर निरंतर लगे रहना लगे रहना जब तक कि हमें वो चीज ना मिले तब तक हम जब लगे रहते हैं तो उसे स्थिरता कहते हैं बिल्कुल सही बात है और आप कुछ कहना चाहते इसके बारे में स्थिरता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तो है क्योंकि स्थिरता के बिना हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते बहुत ही सही बात है क्योंकि हम जैसे कि आम लोगों में देखते हैं हमारे अपने जीवन में अगर हम देखते हैं तो कोई कार्य को सबसे पहले हम सोचते हैं कि ठीक है चलो मैं ये कार्य करता हूँ तो दो चार दिन हम उसमें लगे रहते हैं बड़े दिलो जान से हम उस कार्य को करने लगते हैं एकदम से बहुत ही इच्छुक होकर के बहुत ही एकदम से जोश के साथ हम करने लगते हैं फिर एक ऐसा समय आ जाता है हम धीरे 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 क्या हो जाते हैं उससे पीछे हो लेते हैं जैसा कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरा घर में मेरा बेटा है उन्नीस साल का मेरा लड़का है जो ये लॉकडाउन की वजह से घर में बैठते बैठते उसका स्कूल बंद हो गया और वो घर में बैठते बैठते वो खा पी करके बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो मैं हर समय उसको ये कहती हूँ कि तुम जाओ जा करके थोड़ा बाहरी कार्य करो या घर की कोई कार्य आप सहायता कर लो मुझे सहायता करो और ताकि तुम्हारा जो भी शरीर है वो कम से कम ठीक रहे स्वस्थ रहे और जो मोटापा है वो ठीक होने पाए तुम एक अच्छा स्वास्थ्य वाला बच्चा बन जाओ तो क्या बोलता है कि ठीक है चलो मैं कल से मैं डाइटिंग शुरू करता हूँ वो ऐसा ही कहता है हर दिन तो अगर वो डाइटिंग शुरू करने वाले दिन कोई घर में गेस्ट आए और वो कुछ मीठा लेकर के आए या आइसक्रीम वगैरह लेकर के आए तो सबसे पहला उसको लेने वाला वही होता है तो उसके बाद फिर अगर मैं उसको याद दिलाती हूँ कि तुम तो आइसक्रीम खा रहे हो तुमने तो कहा था कि तुम तो डाइटिंग कर रहे हो तुमको स्वास्थ्य बनना है क्यों ऐसा कर रहे हो तो मैं उसको बोले से वो क्या बोलता है कि चलो मम्मी आज सब तो हो ही गया क्योंकि आज मैंने आइसक्रीम देख लिया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका तो कल से मैं अपना शुरू करता हूँ कल से मैं जिम भी जाऊँगा ऐसा उसने कई बार बोला लेकिन आज तक वो कल नहीं आया <laughs> जिस दिन उसने डाइटिंग शुरू किया हो या स्वास्थ्य के ऊपर उसने अपने आप को ध्यान किया हो तो इस तरह से हम आधे रास्ते में हम जो भी हमारा जो भी वचन था जो भी हम सोच करके हम करते थे उसको हम क्या करते हैं आधे से हम उसको छोड़ देते हैं जी मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि स्थिरता कोई आसान सी बात नहीं है जी, जी, पक्का। अगर ये आसान होता तो हर कोई जो भी उन लोगों का मन करता वो लोग पा पाले जरूर करते जरूर करते है ना लेकिन ये डिफिकल्ट है जब तक वो चीज को ना पालो तब तक लगे रहना बहुत ही डिफिकल्ट है तो इसीलिए हम विशेषकर हम स्त्रिया स्थिरता के बारे में चूक जाते है अक्सर वो तो बिल्कुल सही बात है आप क्या कहेंगे इसके बारे में हम कुछ पाने के लिए या कुछ मिलने के लिए हम स्थिरता को रखना बहुत जरूरत होता है जी जैसे कि हमारे आत्मिक जीवन में भी स्थिरता को बहुत महत्वपूर्ण तो देना चाहिए जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर स्थिरता ना हो तो इसी में हम लोग इस समय लगता है कि हम सभी लोग चुक रहे हैं इसमें इससे हम लोग दूर हो रहे हैं क्योंकि हम लोग आज के दिन ये करेंगे हम प्रभु से वाचा करेंगे कि प्रभु मुझे बहुत प्रार्थना में समय बिताने हैं प्रभु में तेरे वचन को पढ़ने में मैं दो घंटे तीन घंटे मैं लगाऊंगे मैं आपको वचन देता ऐसे वचन और ऐसी प्रतिजा देना हमारा एक कार्य हो गया है थी। जैसे थी। भी हम किसी आत्मिक सम्मेलनों में जाते हैं फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि दो चार दिन तक तो वो हो जाता है फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा जो काम ये है वो है हम क्योंकि महिलाएं हैं हमारे घर के काम हमारे सामने आ जाती हैं तो जो भी कार्य हम देखते हैं फिर हमको ये लगता है कि हमें उसको पहले निपटाना चाहिए तो ये करो वो करो ये सब करते 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 हम क्या करते हैं कि प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना या जो भी हमने परमेश्वर से वचन दिया है उसको स्थिरता के साथ पूरा करना हम चौक जाते हैं आप क्या आपको बाइबल का कोई ऐसे घटना आप लोग मुझे बता सकते हैं जहाँ पर कोई स्त्री जिन्होंने बड़ी ही स्थिरता के साथ अपने कार्य को किया हो क्योंकि अगर बाइबल में है तो हम भी तो वो कर सकते हैं इसलिए तो परमेश्वर ने बाइबल में वो बात को डाला है जी बिल्कुल जब आपने स्थिरता बोला तो मैं देख रही थी बाइबल पे अच्छा कि बाइबल पे एक विशेष कैरेक्टर है जो है हन्ना अच्छा? हम उसे लुका रचित सुसमाचार वो अच्छा? अध्याय के छत्तीस से लेके अड़तीस पद तक पढ़ सकते हैं अच्छा और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम की बेटी एक भविष्य थी वह बहुत बुरी थी और विवाह होने के बाद वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी वह चौरासी वर्ष के विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपासना किया करती थी और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे के बाद जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी तो मुझे यहाँ पर जो हन्ना का कैरेक्टर है अगर हम ये तीन वर्ष को अच्छे से पढ़े तो हम यहाँ पर स्थिरता को देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो बहुत ही अचंभित करने वाले एक ये बात है कि जो भी नबी हन्ना थी वो बहुत ही छोटी उम्र में उनका शादी हुआ था क्योंकि उन दिनों में बाल विवाह का प्रचलन था जो बहुत सालों तक रहा और बाल विवाह होने के बाद सिर्फ़ छोटे से समय तक सात साल तक ही वो अपने पति के साथ रहे और उनके बाद उनके पति गुज़र गए तो पति गुज़र जाने के बाद जैसे एक आम विधवाएँ करती है जैसे कि रोना धोना और कोसना कि मैं अकेले क्योंकि वो भारी जवानी में विधवा हो गई थी है ना क्योंकि जी, आ, हम बहुत ही छोटे समय में उनका शादी होने से बड़ी जवान में तो उनके पास उनके सामने तो उनके सारी जिंदगी पड़े हुए थे तो उसको ये फिक्र और ये चिंता भी ना हुआ था कि मेरा क्या होगा मेरा भविष्य का क्या होगा बुढ़ापे में कौन मुझे देखेगा कौन मुझे खिलाएगा कौन मेरे लिए कमा करके लाएगा ये सारी के सारी जो आम बातें हैं इसी बातों से तो हम स्त्री लोग विशेष रूप से बहुत ही चिंतित रहते हैं ना अगर हमारा घर का कोई बच्चा हो पढ़ा लिखा बेटा हो और उसको काम ना मिला हो तो फिर हम क्या करने लगते हैं कि चिंता फिक्र के मारे हम लोग चिल्लाने लगते हैं कि तेरा क्या होगा कल तू ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा कैसे कमाएगा क्या खिलाएगा शादी होगा तो क्या होगा तो ये सारे के सारे फिक्र विशेष रूप से हम स्त्रियों के ऊपर और ज्यादा हमारे मन में सबसे ज्यादा आता है मुझे यह लगता है और इसीलिए तो हम लोग ज्यादा फिक्र कर करके अपने प्रेशर कभी कभी, कभी बढ़ाते हैं लेकिन दे। यहाँ पर एक स्त्री को देख मुझे बहुत ही अचंबित लगा कि जिनका सिर्फ सात साल तक ही शादी चला दे। दे। उसके बाद भरपूर जवानी में उनका पति उनको छोड़ करके चला गया तो उन्होंने कभी भी परमेश्वर से ये नहीं किया कि प्रसन्न नहीं किया कि मुझे भरी जमाने में विधवा क्यों तूने किया क्यों ऐसा मेरे जिंदगी में तुने देखने को दिया मेरा क्या होगा ये सारे की सारी बातें उसने एक और रख दिया और चौरासी साल तक प्रभु परमेश्वर के मंदिर में उपवास और प्रार्थना कर करके उसने अपने जीवन को बिताया इतना लंबा सा जीवन परमेश्वर के मंदिर में उपवास और प्रार्थना के द्वारा बिताना परमेश्वर ने उसको निश्चय एक सामर्थ्य कार्य उनके हाथों में सौंपे थे है ना जी जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तो हम हन्ना के बारे में सिर्फ इसी तीन वर्ष में ही पढ़ते हैं उनके बारे में जी 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 और लेकिन क्या हुआ कि वो एक इतना स्थिरता से भरी हुई स्त्री थी कि उन्होंने करीब सात साल शादी होने के बाद तो उनका पति भी गुजर गए तो so, तो हम अगर हिसाब करीब पचपन साल तक उन्होंने प्रार्थना और उपवास किया जे, जे, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने वैसे ही नहीं किया जी, तो मैंने एक बात है। जी तो मैं एक मैसेज सुन रही थी एक परमेश्वर के दास के तो वो बोल रहे थे कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे इस वचन को लेकर तो उन्होंने पवित्र आत्मा का आवाज सुना अच्छा। और वो क्या था कि जब भी हन्ना प्रार्थना कर रही थी उस समय उसके पति के के गुजर जाने बाद जब वो उपवास और प्रार्थना कर रही थी तो एक दिन परमेश्वर के स्वर्ग दूत ने उन्हें दर्शन दिखाया अच्छा, अच्छा और उन्हें कहा कि जब तक मुक्तिदाता का जन्म ना हो ले इस इजराइल पर तब तक तुम उपवास और प्रार्थना में लगी रहो हम्म तो मुझे क्या लगता है कि हन्ना ने वो प्रतिज्ञा पाया था परमेश्वर से तो बिल्कुल बिल्कुल जी तो इसीलिए वो प्रतिज्ञा के वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो इतना स्थिर हो गई कि पचपन साल भी उन्होंने कुछ भी नहीं समझा बहुत बड़ी बात है ना बहुत बड़ी बात है आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में इसीलिए तो उसने पचपन साल तक उपवास किया प्रार्थना किया प्रभु के जन्म होने के लिए है ना बहुत ही अचंभित करने वाला उनका जो स्थिरता जो हमें आज दिखाई दे रहा है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कोई भविष्यवाणी हमारे जीवन में होता है कि प्रभु आपके जीवन में ये कार्य करने वाले हैं और वो कार्य करने वाले हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो प्रभु ने बोल दिया है उन्होंने भविष्यवाणी दे दिया है तो मेरा जीवन वो पूरा हो जाएगा तो हम आराम से बैठते हैं आराम से चुपचाप क्योंकि भविष्यवाणी हुई है तो पूरा होगा लेकिन यहां से हम एक बात को हम सीख सकते हैं कि भविष्यवाणी परमेश्वर जरूर करते हैं लेकिन वही से वो पूरा नहीं होता उसे पूरा होने के लिए हमारे भी क्या है एक जिम्मेवारी है क्योंकि अगर भविष्य वक्ति ने यहाँ पर जो हन्ना है उनको ये लगा होता कि प्रो परमेश्वर ने कहा है कि मुक्तिदाता का जन्म होगा तो वो जन्म तो होगा ही तो मुझे क्यों प्रार्थना करना नहीं यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनको परमेश्वर एक ऐसा जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंप दिया कि जब तक मुक्तिदाता यीशु मसीह का जन्म ना हो तब तक तुम्हें लगातार उपवास और प्रार्थना द्वारा उनके जन्म के लिए प्रार्थना करनी होगी इसीलिए तो मुझे लगता है कि बाद में जैसे वो वहाँ पर मंदिर में गई जिस दिन इस को समर्पण के लिए लाया गया था तो उन्हें देख करके उसने झट से पहचान करे क्योंकि उस दिन मुझे लगता है कि कई सारे बच्चे योदी लोग कई सारे बच्चों को लेकर के आए होंगे डेडिकेशन के लिए समर्पण के लिए तो इतने सारे बच्चों के बीच में मसीहा कौन है ये जानना तो सिर्फ उन्हीं को उन्हीं वो पहचान पाए तो इसका मतलब है वो भी प्रभु परमेश्वर से जो भी उनका संबंध था वो बहुत ही गहरा संबंध था वो दिन रात ऐसे सिर्फ प्रार्थना और उपवास में नहीं लगी रही लेकिन वो लगातार स्वर के साथ जुड़ी हुई थी।, थी और उनसे लगातार वो निरंतर अपने जो भी उनका जो कार्य था परमेश्वर उनको दिया हुआ उस कार्य को उसने लगातार किया जिस प्रकार से स्थिरता के साथ उन्होंने लगातार इस कार्य को किया अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम लोग कई बार यही करते हैं कि प्रभु ने हमें भविष्य दी कई सारी ऐसी भविष्य होती है जो आज के कल पूरा नहीं होता जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के भविष्य बाणी उनके जन्म के भविष्यवाणी के बारे में अगर हम देखते हैं तो बाइबल बता ये बताता है कि भविष्य भक्त यशया ने उनके जन्म से करीब 500 से 700 साल पहले भविष्यवाणी के थे तो इतना समय तक तो वो पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने झूठ बोल दिया बिल्कुल ये नहीं पूरा होना था लेकिन वो भी परमेश्वर एक समय को रखते हैं तो इसीलिए हमें भी उस समय को ध्यान में रखते हुए प्रभु परमेश्वर की ओर से आई हुई बाचा को पूरा करने के लिए हमें भी स्थिरता के साथ आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है है ना आप जी, क्या जी, कहती हैं इसके बारे में जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि जो स्थिरता है वो प्रतिज्ञा से भी बहुत मेल खाती है जी, जी तो जब भी प्रभु हमें कोई प्रतिज्ञा देते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं या फिर कोई प्रभु का दास जब हमें कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ दिन तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और एकदम खुश होते हैं उसका याद भी हम हम करते 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 हैं करते हैं हैं स्मरण स्मरण वो का करते करते कि प्रभु ने हमें ऐसा किया हा, हा, है हम घोषणा भी करते हैं प्रार्थना पर और हम हर रोज एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्रतिज्ञा किया है हमारे जीवन पर जी जी लेकिन एक बात हम क्या देख रहे हैं हमारे इस जीवन में कि अगर वो प्रतिज्ञा पूरा होने में कुछ और समय लगे तो हम धीरे धीरे करके उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात बात है। है और दूसरी क्या है कि अगर हमारे जीवन पर कुछ घटी कमी हो, <laughs> या फिर हम कुछ कष्ट से होके जा रहे हैं, तो उस वक्त भी हम प्रतिज्ञा को नहीं समझते जी, जी 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 लेकिन हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को बहुत सवाल पूछने लगते हैं कि आपने ये कहा था वो कहा था कहाँ पर है वो सब कुछ करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है जी बिल्कुल तो अगर हम यहाँ पर हन्ना के जीवन के बारे में देखे तो क्या आपको नहीं लगता कि पचपन साल तक वो स्मूथली वो प्रार्थना तो नहीं किया होगा उन्होंने जी जी उनके जीवन में भी बहुत कुछ आए होंगे दुख, दुख जी लेकिन उन सबको एक साइड करते हुए उन्होंने परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उन पर वो लगी रही बिल्कुल 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 लेकिन यहाँ तो हन्ना ने पचपन साल तक उपवास किया है प्रार्थना करे किया है परमेश्वर के जन्म होने के लिए पर हम वैसे भी स्त्री हो के एक आसान तरीका से प्रभु के प्रतिज्ञा को नहीं कर पाते हैं कभी कभी हमारे काम की वजह से व्यस्तता के वजह से और जब भी हमारे जीवन में ऐसे दुख आते हैं तब हम प्रभु के प्रतिज्ञा को लेकर चलना बहुत सी मुश्किल आते हैं जरूर बहुत सही बात है क्योंकि हमारे आदत ही ऐसी हमने अपनी आदतों को ऐसा बनाया है कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो हम प्रभु परमेश्वर को प्रशंसा देने लगते हैं और अगर प्रतिज्ञा हुआ है उसको पूरा नहीं हुआ है तो फिर हम उनको ऊपर शंका करने लगते हैं संदेह करने लगते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने यह कहा कि नहीं तो ऐसे शंका ऐसे संदेह तो उन सारे के सारे बातों पर भी होना था जैसा कि भविष्यभक्ता अशया ने पाँच से सात साल तक उनका जो भी भविष्यवाणी था उसको पूरा होने में वो लगा तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें जो भी कष्ट जो भी समस्या जिस भी प्रकार के नकारात्मक परिस्थिति का सामना हमें न करना पड़े उन सबों के बीच में भी अगर प्रभु ने हमें कुछ कहा है उन्होंने कुछ वाचा हमसे बांध दी है कुछ प्रतिज्ञा हमें दी है कुछ भविष्यवाणी उन्होंने दिया है तो उसे हमें स्थिरता के साथ उसमें लगे रहना चाहिए और प्रभु में लगे रहने से एक स्त्री होने के नाते जैसा कि हन्ना ने किया उसी तरह हम कर सकते हैं जी, क्योंकि जी, जी, हम हन्ना के भी जीवन में देखते हैं जैसे आप अभी मंदिरा ने कहा कि उनके जीवन में भी कई सारे घटनाएं आई होगी क्योंकि इतना साथ जो समय था पचपन साल तक का जो समय था चौरासी साल तक का उनका उम्र का जो सीमा था उस समय तक जरूर उनके जीवन में ऊपर नीचे होने वाली घटनाएं कई तरह से आई होगी ना सही सब कुछ सही सब कुछ ठीक वाला समय तो कभी भी नहीं आया होगा लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने उनके आस रहने वाले उनके कई भाई बंधुओं ने उनको उनको ये भी कहा होगा कि तुम बेकार में प्रार्थना रहे हो hmm. कब आएगा मसिया न क्योंकि तो तुम तो इतना सालों से प्रार्थना करे हो दस सालों से प्रार्थना करे हो कि मसिया तो आए नहीं फिर बीस साल हुआ होगा फिर उसको कहा होगा कि तुम बेकार में तुम प्रार्थना करे हो कि हुआ नहीं क्योंकि अब तक तो आ जाना चाहिए था अगर परमेश्वर ने ये कहा हो अगर प्रभु ने आपको ये बताया होगा तो निश्चय अब तक हो जाता था तो कभी कभी शायद उनके मन में भी एक संदेह को भी ये लोग डाल देते होंगे ना क्योंकि संदेह भी आ जाता है फिर अपने आप में भी एक संदेह आना ये संभव है क्योंकि हमें ये भी लग सकता है कि पता नहीं प्रभु मुझसे बात किया हो या नहीं या कहीं सिर्फ मेरे अपने मन की विचार से यह सब होगा बोल करके लेकिन हन्ना के जीवन से हमें यही सीखना है कि स्थिरता के साथ जो कोई आगे बढ़ेगा तो प्रभु निश्चय उसको अपने सामर्थ्य कार्य के लिए वो प्रयोग करेंगे तो क्या कहना चाहते आप इस बारे में ये विषय में जी मुझे आज का टॉपिक बहुत ही पसंद आया स्थिरता जी जी क्योंकि अगर हम स्त्रियों के जीवन के बारे में देखे तो मुझे एक वर्ष भी याद आ रहा था जहाँ पर प्रभु ने कहा कि तुम लोग इस संसार में हो तो दुख और कष्ट तो तुम लोगों को आएगा जी लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है जी जी तो जब भी हमें दुख और कष्ट आते हैं तो हमें इस वचन को याद करके आगे बढ़ना होगा और जो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उसे स्थिरता से कैसे आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए जी ये हमें हन्ना के जीवन से जरूर सीखना चाहिए क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे काम किए पचपन साल तक प्रार्थना किया तो उन्हें परमेश्वर से बहुत दर्शन भी हुआ होगा जी 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 बिल्कुल लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम तीन पद ही पाते हन्ना के विषय में जी. और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि कितनी स्थिरता से उन्होंने प्रार्थना की और उपवास किया जी तो जी. मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बाइबल पर लिखा गया है ताकि हम स्त्रियों को विशेष कर बिल्कुल आज जो भी प्रतिज्ञा दिया है हमारे परिवार के लिए हमारे बच्चों के लिए और हमारे पति के लिए तो हमें वो प्रतिज्ञा को लेके कैसे आगे बढ़ना है चाहे जो कुछ भी हो जाए हो जाए कैसे उस प्रतिज्ञा जब तक पूरा ना हो रहे तब तक कैसे आगे बढ़े स्थिरता रहकर स्थिरता में होकर तो शायद हमें ये बड़ी सीख हन्ना के जीवन से सीखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और ये स्थिरता कितनी बड़ी महत्वपूर्ण तो है ना अगर हम अच्छे दिनों में स्थिरता को नहीं कर पाएंगे तो और भी बुरे दिन आ रहे हैं जो बहुत डरावनी दिन है और उस दिन में हम वो स्थिरता को लेके कैसे चल सकते हैं उस दिन के लिए हमें अभी से तैयार करना चाहिए कि स्थिरता करना चाहिए हमारे जीवन में यही सीख मिलते है इस पूरे पार्ट से हमें जी बिल्कुल बहुत ही आ, सही बात कही हमें ले क्योंकि जिन प्रकार की जीवन हमारे हमने इस समय तक बिताए हैं और जो भी दिन हमें आ, हमारे पास आने वाले हैं ये बहुत ही भयानक दिन है क्योंकि बाइबल ये बताता है कि घोर अंधकार से इस पृथ्वी ढक जाएंगे जिस तरह से हम बाहरी दुनिया को इस समय देखते हैं जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इतने अंधकार इतने पाप में ये पृथ्वी धंसता हुआ जा रहा है तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एक ईमानदार आदमी एक वला और अच्छा एक ईमानदार आदमी को इस धरती पर इस माहौल में जीना बहुत ही मुश्किल है और इस अंधकार से भरे हुए समय में अगर आप एक उल्टे चलने वाले नदी के नाले के समान अगर आप चलोगे तो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी बाइबल हमें यह बताता है कि इस दुष्टता से भरे हुए संसार में उन्होंने हमें खराई से चलने वाले व्यक्तियों में उन्होंने हमें एक उदाहरण के रूप में उन्होंने हमें रखा है तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा इसके महत्व को हमें जानना जरूरी होगा विशेष रूप से हम महिलाओं के लिए क्योंकि हमने यही सीखा है हमने अभी तक यही बात करी है कि हम लोग बहुत ही जल्द ऊपर चले जाते हैं आत्मा में एकदम से प्रभु के पास प्रभु के नज़दीक और फिर जैसे समस्या आ जाएगा उस सबसे पहले नीचे की ओर जाने वाले या प्रभु से विश्वास हटने वाले भी हम ये होते हैं जैसे कि हम देखते हैं पुराने करार में से भी कई सारे महिलाएं ऐसी थी ना तो हमें ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्थिरता एक ऐसी सामर्थ्य गुण है जो हमें हर एक महिलाओं में विशेष रूप से मसीह महिलाओं में ये गुण होना चाहिए अगर हम स्थिर रहेंगे किसी बात को लेकर के और उससे हम तब तक ना छोड़ें जब तक वो कार्य हमारे जीवन से पूरा ना हो अगर हम इस तरह का कार्य को हम करते हैं या इस तरह का स्थिरता को अपनाने के लिए अगर हम प्रभु से वचनबद्ध होते हैं तो निश्चय वो हमारे जीवन से हन्ना के माफिक सामर्थ्य काम वो कर पाएंगे Amen. है ना Amen. तो इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे तो इस समय मैं विशेष रूप से मंदिरा से आग्रह करूंगी वो हमें प्रार्थना में लेकर के जाएंगे ताकि हमारे जितने भी महिला दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी आशीष मिले उनके लिए भी आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें भी वो स्थिरता के गुण से भर दे और परमेश्वर की महिमा के लिए चलाएँ तो चलिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु और प्रभु हम इस समय विशेष कर प्रार्थना करते हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो इस समय प्रभु ये कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज हमने लुका रचित सुसमाचार दो अध्याय से हमने आज हरना के बारे में सीखा प्रभु कि कैसे पचपन साल तक प्रभु उन्होंने सब कुछ को पीछे छोड़कर आज स्थिरता में रहकर प्रभु उन्होंने आज आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रार्थना और उपवास किया तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अभी ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जिन्हें आपने प्रतिज्ञा दिया है उनके परिवारों के लिए उनके बच्चों के लिए प्रभु तो हम प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री को आपके शक्ति और सामर्थ्य आप भर दे प्रभु और जब तक वो प्रतिज्ञा जो आप ने उनके परिवार से किया है उनके बच्चों से किया है उनके जीवन से किया है वो जब तक पूरा ना हो ले हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज वो सभी महिलाएं स्थिर होकर प्रभु आपको देखते रहे प्रभु और उन सबके जीवन से और परिवार से सिर्फ आपको ही महिमा हो जैसे आपने प्रतिज्ञा किया है कि इस अंत के समय में आप स्त्रियों की झुंड को खड़ा करने वाले प्रभु आपकी महिमा के लिए, के लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन सभी स्त्रियों को प्रभु आपकी महिमा के लिए आप उपयोग करें हम इन सभी प्रार्थनाओं को प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं। है आमें। 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 इस समय विशेष रूप से हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए आज हमने जिस बात पर भी चर्चा किया है मुझे ये आशा है कि आप सभी लोग विशेष रूप से हमारी कलेशिया के प्रिय माताएं और बहनें उन्होंने निश्चय ही इस वचन से इस जो भी चर्चा है उससे आप लोगों ने आशीष प्राप्त करी होगी तो अपनी प्रतिक्रिया के बारे में हमें लिख करके जरूर भेजें ताकि हम सभी लोग उत्साहित होकर के फिर आगे बढ़ते चले जाएं इस समय जो भी स्क्रीन पर आपको ईमेल का आईडी दिखाई दे रहा है आप उस पर अपने प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं उसके साथ साथ ही अगर आपका कोई भी प्रार्थना का निवेदन हो तो भी आप हमें अपने प्रार्थना का निवेदन को भी साझा कर सकते हैं हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे तो अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम के साथ आप सभी लोगों के साथ हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे जय मसीह के इफ यू आर ब्लेस्ड बाय दिस प्रोग्राम प्लीज सेंड योर टेस्टिमोनीज एंड फीडबैक टू जीसस मिनिस्ट्रीज नंबर 110 ओल्ड जीएनटी रोड कारनोडय चेन्नई सिक्स जीरो ज़ीरो जीरो सिक्स सेवन तमिलनाडु इंडिया अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए जीसस मिनिस्ट्रीज संख्या 110, पुरानी जीएनटी रोड कारनोडई चेन्नई छ चे, शून्य 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 सात तमिलनाडु भारत